सकता है किसी भवन को कैसे कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं, मेसनरी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, चिनाई वाला स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर कर सकते हैं, टिम्बर स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बैम्बू स्ट्रक्चर कर सकते हैं, स्टील स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लोकल मटेरियल लोकल स्किल को बढ़ावा देना चाहिए सस्टेनेबिलिटी में, तो लोकल मटेरियल लोकल स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या भारतीय मानक संस्था, भारतीय मानक ब्यूरो, ये देश की नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। हर देश में एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी होती है। अमेरिका में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ऐसी जर्मनी में है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, ऐसी भारत का जो एक संस्था है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो। तो इसका काम है सबसे मानकीकरण और प्रमाणन। सबसे पहले तो मानकों का निर्धारण करना, फिर उसका प्रमाणन करना, सर्टिफिकेशन करना कि मानकों के अनुसार है कि नहीं है। तो पहला उदाहरण दूंगा कि मटेरियल्स का, और खासतौर पर क्योंकि आज का संदर्भ जो सेमिनार है बिल्डिंग्स से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, सुरक्षा से रिलेटेड है, तो बिल्डिंग मटेरियल्स का, तो भारतीय मानक ब्यूरो ने अभी तक करीब 22,000 मानक बना लिए हैं, और उसमें करीब 2,000 मानक जो है सीधे बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और उसमें भी जो है जो बिल्डिंग मटेरियल्स के जो हैं और कंपोनेंट्स के, जैसे सीमेंट है, स्टील है, सरिया है, ईंट है, कंक्रीट है, टिम्बर है, बैम्बू है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, लाइट है, ये जितने सब के हैं, ये जो मानक बनाए हैं, ये जो मानक मटेरियल के या प्रोडक्ट के, आर्टिकल के या गुड्स के, सब्सटेंसेस के होते हैं, ये सर्टिफाइबल होते हैं या प्रमाण करने योग्य होते हैं, क्योंकि सामान है, वस्तु है, दिख रही है, जांची जा सकती है, टेस्ट की जा सकती है। तो इसमें हम टेस्ट करके इसको जब हमें ठीक लगता है तो हम इसको प्रमाणन देते हैं, जिसको पॉपुलरली कहते हैं ISI मार्क, तो ये हमारी संस्था देती है। अभी तक 40,000 के लगभग ISI मार्क हमने विभिन्न वस्तुओं पे दे दिए गए हैं, और इसमें सारे बिल्डिंग मटेरियल भी आते हैं, सीमेंट पे कई मानकों पे तो ISI मार्क अनिवार्य है। तो ये गवर्नमेंट के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के, भारतीय जो मानक होते हैं वैसे तो ये वॉलंटरी होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, लेकिन इनको जो है अनिवार्य भी किया जा सकता है, सरकार ये कर सकती है। तो सरकार ने ऐसे करीब 450 ऐसे मानक हैं जिनको अनिवार्य किया गया है, जिसमें सीमेंट एक है, सरिया एक है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एक है, क्योंकि जिसमें भी सेफ्टी और सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, मास कंजप्शन होता है, ऐसे फूड आइटम भी होते हैं, बेबी फूड आइटम होते हैं, LPG सिलेंडर हैं, उसके रेगुलेटर हैं, उसके वॉल्व हैं, ये सब भी जो अनिवार्य श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये मानक है। तो बिल्डिंग मटेरियल सबसे बड़ी अच्छी बात पूछी आपने, तो मटेरियल का सबसे पहले तो मटेरियल ही ठीक नहीं होगा तो है ना, तो फिर ऐसे 400 है ना, 450 अनिवार्य हैं। सीमेंट तो 15 किस्म के सीमेंट हैं के मानक हैं, है ना, जिसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलन सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट इत्यादि जो है मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले सीमेंट हैं, और ये सब पे जो मानकीकरण जो है वो अनिवार्य है, उसका प्रमाणन अनिवार्य है। सब बिना ISI मार्क के बनाना, बेचना या बेचने के लिए स्टोर करना ये अवैध है। तो पूरे देश में ऐसे हमारे जो लाइसेंस धारी हैं जिसको बनाते हैं, और अच्छा सीमेंट आज उपलब्ध है, सीमेंट की कोई कंप्लेंट्स नहीं रहती क्योंकि इसमें इतना क्वालिटी कंट्रोल हो गया है। ऐसे सरिया भी है, इसके अलग अलग मानक है, जैसे इसको बताया ऐसे सरिये के भी मानक है, IS 1786, ये नंबर आप देखेंगे, ISI मार्क देखेंगे, उसके ऊपर IS नंबर देखेंगे, सीमेंट का होगा IS 269, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलन सीमेंट 1489, IS 148, ये इंडियन स्टैंडर्ड मानक का नंबर है, IS डेजिग्नेशन, उसके नीचे लाइसेंस नंबर होता है, सेंट्रल मार्क CM/L लाइसेंस नंबर होता है। इससे आप जान पाएंगे कि ये ठीक है या इस पर कंप्लेंट करनी चाहिए। यदि आप जानना भी चाहते हैं उस नंबर को डाल के, BIS केयर ऐप है, उस ऐप में डालिए, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप BIS वेबसाइट में जा सकते हैं, कोई अवैध बना रहा है उसके बारे में कंप्लेंट कर सकते हैं। ये तो नहीं मटेरियल की बात, ये है जैसे अभी आपको बताया कि बिल्डिंग की सुरक्षा में खाली मटेरियल है एक जो है डायमेंशन नहीं है उसमें। सबसे पहले है कि प्लानिंग, यू हैव टू प्लान इट टू टुवर्ड सेफ्टी,
डिजाइन फॉर सेफ्टी, कंस्ट्रक्ट एज वेल एज मेंटेन फॉर सेफ्टी, तो सारे एस्पेक्ट इसके लिए कर रहे हैं। तो इतने सारे तो इनके सबके लिए अपने कई सारे मानक बनाए हुए हर चीज के लिए। आप डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने में क्या आएगा, आपके तरह तरह के लोड आते हैं, डेड लोड, इम्पोज लोड, विंड लोड, स्नो लोड, वाइब्रेशन लोड, टेम्परेचर लोड और सेस्मिक और अर्थक्वेक लोड। ये सारे लोड, बिल्डिंग का अपना भार होता है और उसमें फर्नीचर होता है, सामान होता है, उनका भार होता है, और जो हवा चलती है, साइक्लोन होता है, इसका भार होता है, और जो ये स्नो हिल एरिया है तो वहाँ स्नो का भी होता है, और अदरवाइज जो सेस्मिक या अर्थक्वेक फोर्सेज होते हैं, पूरा भारत वर्ष जो है चार जो सेस्मिक जोन में बटा हुआ है। जोन जैसे आप देखते होंगे जब भी कोई भूकंप आता है तो हम दिखाया जाता है कि कौन कौन से किस भूकंप में था, कितना एपिसेंटर था, तो जोन 2, 3, 1 खत्म कर दिया, 1 और 2 कर दिया, तो कम से कम थोड़ा बहुत जो सेस्मिसिटी जो है वो कहीं ना कहीं है। तो जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 जैसे ये दिल्ली का एरिया है, यहाँ का एरिया है, ये सारे जोन 4 में आते हैं, मतलब हाईली वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। उसके अर्थक्वेक होने के कारण है, आपने देखा नेपाल, बिहार का अर्थक्वेक आया था, जम्मू कश्मीर का आया था, ये बेल्ट बड़ी जो है अनस्टेबल है अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से। सकता है किसी भवन को कैसे कर सकते हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं, मेसनरी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, चिनाई वाला स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर कर सकते हैं, टिम्बर स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बैम्बू स्ट्रक्चर कर सकते हैं, स्टील स्ट्रक्चर कर सकते हैं, प्रीफैब्रिकेटेड जो 10 दिन में 1 महीने में तैयार करके खड़ा कर दिया जाता है, आपने खबरें सुनी होंगी, वो कर सकते हैं। इन सब के मानक निर्धारित कर लिए गए हैं, इसमें ग्लास फसाड भी बाहर से लगता है उसके भी मानक निर्धारित कर लिया गया है। जैसे कंक्रीट के लिए डिजाइन के लिए जो कोड की बात कर रहे थे, IS 456 है, स्टील डिजाइन करना है 800 है, और टिम्बर डिजाइन करना है 883 है, मेसनरी करना है IS 1904 है, बेम्बू का डिजाइन करना है IS 15912 है, और आपको जो प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन करना है, फास्ट कंस्ट्रक्शन करना है IS 15916 है, ये सब मानक है। जो प्री फैब्रिकेटेड होता है उसमें कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें से पहले से ही उसको प्री फैब्रिकेट कर लिया जाता है, फैक्ट्री कंडीशंस में उसको कास्ट कर लिया जाता है, वो कंपोनेंट साइट पर लाए जाते हैं, तो उसका डिजाइन ही ऐसा होता है साइट पर लाए उसको जो है इरेक्ट कर लिया जाए, असेंबल कर लिया जाए, तो इसके लिए मानक है। और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, और फिर मैनेजमेंट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट आपने बताया टाइम कम लगेगा या ज़्यादा, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, स्कोप मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ताकि जब काम करते हैं तो यही तो कमी रह जाती है। कंपटीशन को हमें एनकरेज करना चाहिए, सब कंपटीशन रहना चाहिए, बैम्बू को भी एनकरेज करना चाहिए अपनी जगह, टिम्बर को भी एनकरेज करना चाहिए, स्टील भी और मेसनरी भी अपनी जगह, जहाँ जो उपलब्ध है लोकल मटेरियल, लोकल स्किल को बढ़ावा देना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी में तो लोकल मटेरियल, लोकल स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तरह तरह के आजकल मानक हमने बना लिए हैं, जो फ्लाई ऐश से बनने वाली ईंटें हैं या फ्लाई ऐश से बनने वाले हैं, राख से बनने वाले, और ये जो स्लैग से बनने वाले हैं, ये जैसे मैडम ने बताया सस्टेनेबिलिटी का बढ़ावा देते हैं ये, है ना, जैसे ये नेट जीरो बिल्डिंग है या ग्रीन बिल्डिंग है उसको बढ़ावा देते हैं। इन सब ये सब प्रावधान अलग अलग जगह हैं, अलग अलग इनके मानक हैं बहुत सारे, लेकिन इन मानकों को एक सूत्र में पिरोना बड़ा जरूरी है, लेकिन पढ़ने वालों को कैसे पढ़ाया जाए, एजुकेशन में उनको कैसे दिया जाए, कॉलेजेस में कैसे पढ़ाया जाए, इंजीनियर जब पढ़ते हैं वहीं से तैयार नहीं करेंगे तो हम सोचे अचानक ही प्रोफेशनल बन के तैयार हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। इनको पढ़ाया जाता है और लोगों को भी अवेयर करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसके लिए हमने एक राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता बनाई है, जो पहले भी बनी थी, अब उसका लेटेस्ट वर्जन है NBC नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016, ये उपलब्ध है। तो इसके हम बहुत इसकी भी कोई संशोधन किया उसके बाद ये चलता रहता है, 1970 में बनी थी, 83 में बनी है, उसके बाद भी उसमें संशोधन हुए, 2005 है, अब 2016 है, उसमें एक अमेंडमेंट हुआ। कंस्ट्रक्शन जो है स्टेट सब्जेक्ट है अंडर एंट्री 35 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये एक राज्य का विषय है, और उसमें 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें जो है म्यूनिसिपैलिटी के लिए उसमें 18 प्रावधान है जो बताते हैं कि ये लोकल बॉडी के तत्वाधान में आएंगे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उनको, तो नेशनल होना चाहिए। नहीं, मैं समझा रहा हूँ, मैं तो ये
इसके लिए क्या होता है, ये करते हैं लोकल बिल्डिंग रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट से, क्या है लोकल बिल्डिंग बायलॉज या लोकल बिल्डिंग रेगुलेशन से, उससे होता है। तो एक सिटी का अलग होगा, हर सिटी का अलग होते हैं, और एक स्टेट का एक भी हो सकता है। जैसे हरियाणा में हुडा है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ऐसे गाजियाबाद डेवलपमेंट मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या नोएडा या ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है, बिल्डिंग रेगुलेशन है। ये रेगुलेशन बनाने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक सूत्र में बांधने के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया NBC है, उसमें प्रोविजन दे रखे हैं, उसमें 33 अलग अलग चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स में प्रावधान है कि प्लानिंग कैसे की जाए, डिजाइन कैसे किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन अप्लाई कैसे किया जाए, बिल्डिंग रेगुलेशन की कब देना है, कितने टाइम में देना है, और फायर सेफ्टी कैसे करें, बिल्डिंग मटेरियल कैसे से रखें, स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे करें, एग्जीक्यूशन कैसे करें, और बिल्डिंग के यही नहीं, बिल्डिंग की सर्विसेज भी, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक लाइट इंस्टॉलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन, अकॉस्टिक साउंड इंस्टॉलेशन, नॉइज कंट्रोल, लिफ्ट, एस्केलेटर, मूविंग वॉक, ये सारा का सारा।